हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके शामिल हूँ। ये वीडियो कुछ हैक्स और कुछ रीयूज के ऊपर होगी। आप लोग टाइटल देख के आप पहचान ही गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। क्योंकि आज क्या होता है ना, आज के टाइम में ना हम सब पे अब बहुत सारी ज्वेलरीज होती हैं। मतलब वो पहले वाला टाइम तो रहा ही नहीं है कि जस्ट एक जोड़ी टॉप्स हुआ करते थे या गले में एक ही हमारे पास नेकलेस हुआ करता था। आजकल छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, सब पे बहुत सारी ज्वेलरी होती है। तो वो ज्वेलरी होती भी है और कई बार क्या होता है, मन से भी उतर जाती है, हम बहुत पहन चुके होते हैं, या टूट जाती है, स्टोन निकल जाता है, इयररिंग्स का ये कुंदा निकल जाता है, गले का जो होता है उसका कुंदा टूट जाता है, एक गायब हो जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी होती है, पर वो ज्वेलरी फिर हम सोचते हैं ये वेस्ट है, मतलब अब इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। पर मैं आज आपके सामने यही चीज मैं आपके सामने दिखाऊंगी कि आप अपनी जो यूज नहीं कर रहे हैं और पुरानी ज्वेलरीज हैं या जो टूट गई हैं, एक आधा पीस खो गया है, उन सबको कैसे रीयूज कर सकते हैं, तो मैं आज आपके सामने। तो चलो ज्यादा देर बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। फिर मैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ है मेरे पे, ये आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी ज्वेलरी है, आप देख सकते हैं। इसमें ये है, इसमें मतलब एक झुमकी है, बहुत सारे टॉप्स हैं। तो मैं आप इन सब का ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरा इयररिंग्स था, मेरी बहन की शादी थी तो ये इयररिंग्स था। देख रहे हैं आप, ऐसे चांद वालियां बहुत चली थी और ये बहुत ही प्यारा और सुंदर इयररिंग्स था, मुझे बहुत पसंद था, रियली मैं बहुत पसंद था। और मैं अपनी बहन की सगाई में गई हुई थी और मेरा रास्ते में ये टूट के वहीं पे गिर गया था। तो जब ये मेरे पास रह गया था और मैंने इसे फेंका नहीं, और मेरी बहन की शादी को आई थिंक 2 साल हो चुकी है तब से ये मेरे पास है। तो मैं इसका यूज कैसे करती हूँ, मैं इसका 2 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देखिए, या तो आप इसे मांग टीका बन ऐसे मांग टीका यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, या तो आप इसको एज अ मांग टीका यूज कर सकते हैं। देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है, आप देखिए अच्छा है और ट्रेंड में भी है बहुत ज्यादा। तो आप इसका मांग टीका, मैंने इसमें एक पतला सा वायर डाला है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पतला सा मैंने वायर डाला इसके अंदर जिससे एक ये लूप बन गया। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पिन लेके भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास चैन है, देखिए इस तरीके की चैन है और इनमें आपको पता है इस तरीके के कुंदे होते हैं, तो आप इनको इसमें देखिए, इसे मैंने ऐसे करके देखो ऐसे किया और इसको ऐसे किया, ये देखिए ये आपका बन गया मांग टीका, ठीक है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है ना। तो आप एक तरीका इसका ये है, आप एक तरीका तो इसका ये हो गया। और मैं दूसरा, अगर आपको जस्ट आपको पेंडेंट सेट पहनना है तो इसी लूप के अंदर आप अपनी चैन डालिए, ये डाली चैन मैंने और ये आपका एक बन गया पेंडेंट सेट, देखिए अच्छा लग रहा है। तो ये आपके दोनों काम कर दिए ना, इसने दोनों काम हो गए। और प्लेन कुर्ता है और उसको आपको गोल्डन और थोड़ा सा हाई प्रोफाइल टच देना है। आपने देखा होगा कि आजकल जो कुर्ते हैं जो थोड़े हैवी होते हैं या फिर ब्रांडेड होते हैं और थोड़े पार्टी वेयर, उनको लुक देने के लिए काफी बड़े बड़े बटन्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो ऐसे आप इसको बटन की तरह भी यूज कर सकती हैं। मतलब मेरा तो ये ऑलरेडी इतना है, मतलब वर्क दिख रहा है, प्लेन सूट में आप जस्ट इसको ले और गोल्डन कलर का दुपट्टा लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो एक एक ही चीज से मैंने आपको 3 से 4 लुक करके दिखा दिए हैं। अब मैं आपको दूसरा मैं बताती हूं, देखिए ये मेरी पिन थी, आप जानते होंगे जो साड़ी के ब्रॉच बोल सकते हैं, जो साड़ी की प्लेट्स में लगाई जाती है, आप देखिए, तो ये थी, इसकी यहां से ना पिन निकल गई है, पर ये इसका जो पैटर्न था ना मुझे बहुत पसंद था, देखिए बहुत पसंद था, नग इसके बहुत ही प्यारे थे क्योंकि ये मैंने काफी कॉस्टली लिया था यार, मेरा बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं हुआ। तो आप इसे चाहें तो आप ड्रेस में एज अ बटन की तरह लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर चुन्नी को
चुन्नी के इस तरीके से कोई ऐसी ड्रेस हो आपकी, गोल्डन कलर की चुन्नी हो या कुछ भी हो, आप उसको इस तरीके से जब फिर आप इसे ऐसे पहनेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी जो ये चीजें होती है ना, ये आपके ड्रेस में एज ए बटन बहुत काम आती है। आप देखिए ये छोटी छोटी सी चांद बालीज है, ये मेरे में पूरा पेयर है, ठीक है। इसके स्टोन बहुत प्यारे हैं, निकलते नहीं है, सबसे अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली इसकी डंडी टूट गई थी और इसकी है, ठीक है। तो इसकी मेरे पास ये सिंगल था, तो आप मैं इसकी भी डंडी तोड़ के अपनी एक ड्रेस में लगाऊंगी, इसीलिए मैंने इसे रख रखा है, क्योंकि ये इस तरीके से दोनों को एक साथ लगाऊंगी, एक के ऊपर एक पट्टी पे इस तरीके से एज अ बटन आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसका भी आप पेंडेंट बना सकते हैं अच्छे से। मैं आपको दिखाती हूँ, एक छोटा सा पेंडेंट बना सकते हैं। वन मिनट, मैंने इसकी जो डंडी है उसको ऐसे फोल्ड कर दिया है इसकी डंडी को, और अब इसमें ये चैन फंस जाएगी, ये देखिए। तो अगर आप चाहें तो ऐसा ही एक छोटा सा जो रेगुलर वेयर में आपको पहनना हो छोटा सा पेंडेंट भी बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए झुमकी है, ये आप प्लेन कुर्ते बनाए या प्रिंटेड कुर्ते बनाए उसमें बहुत प्यारे लगेंगे। तो ये मेरी टूट गई थी, तो ये देखिए इसमें आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ब्लाउज की जो डोरी में आप लटकन लगाते हैं ना, आप उसमें इसको अटैच कर सकते हैं डोरी के साथ, तो ये एज अ लटकन की तरह भी काम आएंगे। ये कुछ इस तरीके के हैं, तो ये आपको दोनों मेरे पास है, तो ये आप लटकन की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इन झुमकियों को भी आप लटकन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी एक झुमकी की ऊपर की डंडी टूट गई है और एक बिल्कुल ठीक है, तो आप इनको एज अ लटकन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कुर्ते में लगा सकते हैं। तो आप चाहे ना, आप ना सामान को ये समझिए कि एज अ मटेरियल आपको यूज करना है, ये मत सोचिए कि आपको अपने इयररिंग्स यूज करने हैं। आप मटेरियल समझ के यूज करेंगे ना तो आपको ऑप्शंस अपने आप दिखाई देंगे। आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ, ये राखी का है, राखियों पे चिपक कर आता था और ये मेरे बेटे का निकल गया था, पर इसका काम है ना जरी का काम है, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने इसे रख लिया कि मैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं से चिपका दूंगी, मतलब मैं अपनी ड्रेस में ही इसको इस्तेमाल करूंगी, तो इसीलिए मैंने इसे रख रखा है। देखिए ये एक पेंडेंट है, इसको मैं एज अ पेंडेंट इस्तेमाल करूंगी, या फिर मैं कई बार अपनी ड्रेस पे भी लटका लेती हूँ इसे पिन की सहायता से, तो ये प्लेन सूट में एक अलग ही लुक दे देता है। तो आप इसी तरीके से आप अपनी पुरानी ज्वेलरी को एक नया लुक दे सकते हैं, एक नए नजरिए से उसको देख सकते हैं और लोगों को भी सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास होंगे वो जरूरी नहीं दूसरे के पास हो, तो जब आप अपनी ड्रेस में या फिर उसको अलग तरीके से यूज करके पहनेंगे तो आपको देख के दूसरे लोग जरूर कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो इसीलिए अगर आपके पास ऐसा ही कुछ जुगाड़ आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और देखिएगा कि आपको सिर्फ तारीफों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इससे ऐसी ही रिलेटेड वीडियो चाहते हैं और आपको किस किस तरीके की वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए हर एक तरह की वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।